Hey everyone, my name is Jiraf and you're watching Tech with Jiraf. इस वीडियो में हम बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स का जो माना मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, बट देखेंगे कि विद टेस्ट ऑफ टाइम ये प्रोडक्ट्स कैसे अभी भी परफॉर्म करते हैं. कुछ ड्यूरेशन बीतने के बाद देखेंगे अभी भी ये प्रोडक्ट्स लेना वर्थ इट है या नहीं. तो बिना किसी जबर जाबर के इस री रिव्यू को शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करें वायर्ड हेडफोन्स की, तो मैंने पिछली 23 वीडियोस जो इस पूरे एक साल में बनाई हैं उसमें मैंने तीन वायर्ड ईयरफोन्स का रिव्यू किया था. सबसे पहले मैंने नॉइज़ YR1 का रिव्यू किया था, उसके बाद मैंने इन्फिनिटी जो JBL का सब ब्रांड है उस टाइम पे नया नया इंडियन मार्केट में आया था उनके Zip 100 वायर्ड ईयरफोन्स का रिव्यू किया था, और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम पहले ही 2019 में MI के जो Xiaomi बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में उसके MI ड्यूल ड्राइवर ईयरफोन्स आए थे उसका रिव्यू किया था. तो इन तीनों प्रोडक्ट्स में से ही अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट तो अभी तक MI ड्यूल ड्राइवर्स ही चले हैं. नॉइज़ YR1 का तो ऐसा बुरा हाल हुआ है कि उसकी राइट ईयर टिप टूटी गई है. ये मैंने पर्सनली इसीलिए ही लिए थे क्योंकि ये मेटल बिल्ड के साथ आते हैं, जो कि मुझे लगा था वो अच्छा मेटल है, बट वो ये बहुत ही फ्रैजाइल मेटल है. ये बहुत ही आराम से टूट गया था और ये एक दो महीने में ही टूट गए थे. तो मेरे को पर्सनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मेरे को ये इन्फॉर्म करना चाहिए. तो उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वीडियो पे कभी भी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया तो मैंने कभी भी इस प्रोडक्ट को उसके बाद रिकमेंड नहीं किया. बट इनिशियली ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था बट टूट गया. और थर्ड वायर्ड ईयरफोन्स की बात करें जो इन्फिनिटी JBL का सब ब्रांड, मैं इन्फिनिटी Zip 100 बोलूँगा उसे. इन्फिनिटी Zip 100 भी बहुत अच्छा पेयर ऑफ ईयरफोन्स है. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप वो ले सकते हैं. वो 500 रुपीस के प्राइस पॉइंट पे आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. उस प्राइस पॉइंट पे पर्सनली मुझे बेस्ट इन सेनहाइजर के CX180 लगते हैं, बट उसकी वायर थोड़ी फ्रैजाइल है और उसमें माइक भी नहीं मिलता जो आपको इन्फिनिटी Zip 100 में मिल जाता है. एंड थोड़ा प्राइस थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो MI ड्यूल ड्राइवर्स भी अच्छे हैं. कभी कभार ऐसा होता है कि एक ईयरफोन में वॉइस ज़्यादा आती है और एक ईयरफोन में वॉइस कम आती है, बट इतना कंसिस्टेंटली वो प्रॉब्लम नहीं रहती. एंड रियलमी के जो बड्स 2 हैं वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसी प्राइस पॉइंट पे. बात करें वायरलेस हेडफोन्स की, तो मैंने अपनी वीडियोस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रिव्यू किया था और रिकमेंड भी किया था इनिशियली, वो था Xiaomi के मी सुपर बेस वायरलेस हेडफोन्स जो पिछले Amazon Prime Day का एक्सक्लूसिव लॉन्च था. बात करूँ Amazon Prime Day की, तो इस बार ही Amazon Prime Day है 6th to 7th August में. अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कैश है और आपको कुछ प्रोडक्ट्स की नीड है तो मैं अपने वर्क अकाउंट जो मेरा Instagram का अकाउंट है उस पर एक्सक्लूसिव डील्स शेयर करूँगा इन रियल टाइम. वो मैं Instagram पे इसलिए करूँगा क्योंकि अगर मैं YouTube पे शूट करूँ तो शूट करने में टाइम लगता है वगैरह, तो इतना इन रियल टाइम नहीं हो पाता और ये डील्स इन अ फ्यू मिनट्स या इन अ फ्यू वर्ड्स ख़त्म हो जाती है. तो इन रियल टाइम के लिए मैं अपने Instagram पे ही वो करूँगा. तो अगर आपको Amazon की प्राइम डे की इन रियल टाइम डील्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वापसी बात करें Xiaomi की, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं था, Amazon अगर स्पॉन्सर करना चाहता है तो कर दो. बट anyway, कमिंग बैक टू MI सुपर बेस वायरलेस हेडफोन्स, तो ये पहले 2-3 महीने तो बहुत अच्छे से चले. नेटफ्लिक्स मैंने खूब इन्जॉय किया इन हेडफोन्स पे, चाहिए ऑन द ईयर हेडफोन से. ऑन द ईयर मतलब ऐसे वाले, तो ऑन द ईयर चाहिए ऑन द ईयर हेडफोन से. बट इनिशियली ये बहुत अच्छा परफॉर्म किए हर चीज़ में ही, बल्कि गेमिंग में भी इनकी लेटेंसी काफ़ी कम थी. मैंने PUBG में भी इनको टेस्ट किया था तो काफ़ी अच्छे थे. बट अब ये स्क्वीकिंग सी अजीब सी ऐसी आवाज़ें देते हैं, और इसको ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड कर लो, क्योंकि मेरा बिग हेड है थोड़ा, तो मैंने एक दिन इसको ज़्यादा एक्सटेंड किया और ये ऐसे इसकी वायर निकल आई थी, तो मैंने थोड़ा ये ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा मार खा गया, नहीं तो ये प्रोडक्ट अच्छा था. बात करें ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स की, तो मैंने अपनी अभी तक जितनी वीडियोज़ डाली हैं इस चैनल पे तो उसमें मैंने 6 या 7 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स का रिव्यू किया है, जिसमें से 2 मेवी के हैं, मेवी डुओपॉड्स M20 और मेवी डुओपॉड्स M40. मैं वो दोनों अभी भी रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे. बस मुझे उनका जेस्चर नेविगेशन सिस्टम नहीं अच्छा लगता, बट अगर आपको थोड़ा बेस हैवी साउंड सिग्नेचर पसंद है तो आपको वो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स अच्छे लगेंगे. और मेवी टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट पे सेल्स भी डालता रहता है,
सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे प्राइस पे उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो एक अच्छे ऑप्शन है। और बात करें बाकी टूली वायरलेस ईयरफोन्स की, जो तीन अभी मेरे पास हैं और बाकी, तो रियलमी एयरबड्स न्यू जो मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू किए थे, मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि आप उसके भी जेस्चर बेस्ड नेविगेशन सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, बट रिव्यू के थोड़े टाइम पहले ही रियलमी ने रियलमी लिंक ऐप लॉन्च कर दी थी, जिससे आप वो नेविगेशन सिस्टम चेंज कर सकते हो उनके टूली वायरलेस ईयरफोन्स का, चाहे वो एयरबड्स न्यू हो या रेगुलर एयरबड्स जो उनके आते हैं वो हो। तो वो अब एक इम्प्रूवमेंट हो गई है। उस कारण से अगर आपको हार्ड प्लास्टिक वाले वो ईयरफोन्स, एयरपॉड्स, एप्पल एयरपॉड्स के क्लोन टाइप ईयरफोन्स पसंद हैं, और अगर आप एंड्रॉयड साइड ऑफ थिंग्स पे हैं, इवन आईफोन साइड ऑफ थिंग्स पे भी हैं, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एट द प्राइस ऑफ 3000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली फॉर ईयरबड्स एंड एयरबड्स न्यू एंड रेगुलर रियलमी ईयरबड्स। बात करें बाकी तीन ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स की जो मैंने रिव्यू किए थे, तो सबसे पहले मैंने पोट्रॉनिक्स हार्मोनिक्स ट्विन्स मिनी, बहुत लंबा नाम है बट बहुत ही छोटू से हैं ये, तो मैंने इसका सबसे बड़ा मेरे को जो प्लस साइड लगा था वो था इसका टाइप सी पोर्ट। ये आज भी बहुत अच्छे से जल्दी से चार्ज हो जाते हैं, बस मैंने इनको पर्सनली इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, एंड एक बार ही मेरे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स गुम चुके हैं फ्लाइट पे, याद है वो टाइम जब उड़ सकते थे यार, बट एनीवे एक बार ही वो गुम चुके हैं, तो मैं इनको तो डेफिनेटली नहीं घुमाना चाहूँगा। और ये आए भी 1600-1700 रुपए के आसपास के थे उस टाइम पे जब मैंने ये लिए थे, तो उस टाइम पे इतना ऑप्शन नहीं होता था एक कस्टमर के पास, बट अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास, Redmi AirDots है, Realme Buds Q हैं, और Boat के भी और ऑप्शंस आ गए हैं, 141 एफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। ये इतने अच्छे नहीं है क्योंकि इनका एक ही ईयरबड चलता है, और कॉल्स में स्पेशली एक ही ईयरबड से आवाज़ आती है, एंड ये इतने अच्छे नहीं है। आप इस पे प्राइस वेस्ट, आपको इस पे प्राइस वेस्ट नहीं, अपना मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बात करें दूसरे की, तो ये थे पीट्रॉन बेसबड्स लाइट, ये भी 1000 रुपीज़ के लिए अच्छे हैं, बट अदर देन दैट ये इतने अच्छे नहीं हैं ऑनेस्टली। सारे टूली वायरलेस ईयरफोन्स में से मेरे को बेस्ट Boat AirDrops 211 लगा था, बट ये भी एक दो महीनों से बहुत इशू देने लगा है इसका, ये हमेशा चार्जिंग के लिए होता रहता है, इसके मैग्नेट काम करने बंद कर गए हैं, और इसका बैटरी में भी इशू आ रहा है। तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरा बजट टूली वायरलेस ईयरफोन्स के साथ तो एक्सपीरियंस नहीं रहा, अगली बारी थोड़े पैसे ज़्यादा होंगे तो वगैरह मिड रेंज या थोड़े एक्सपेंसिव वाले टूली वायरलेस ईयरफोन्स, बट बजट में तो हिट और मिस ही है, चाहे आप Boat ले लो, पोट्रॉनिक्स ले लो, पीट्रॉन ले लो, रेडमी और रियलमी के शायद और अच्छे निकल जाएँ, वन प्लस के भी TWS अभी रिसेंटली लॉन्च हो गए हैं, तो वो शायद बहुत अच्छे निकल जाएँ, बट बजट में तो यार थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड कर लो, बट अच्छी चीज़ लो। बात करें इन सारी वीडियोस में से मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट प्रोडक्ट्स की, तो वो सबसे पहला था आईफोन 11। उस वीडियो में भी बहुत मज़ा आया था क्योंकि मैं सुबह सुबह वो आईफोन 11 जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मेरे कज़न भाई ने खुद परचेज किया था, और मेरे पास बहुत ही कम विंडो थी क्योंकि वो काम करता है, उसकी खुद की शॉप है, तो वो काम पे जाने से पहले का मेरे पास एक छोटा सा टाइम विंडो था जिसमें मैंने वो पूरी वीडियो शूट की थी, और 6 to 7 hours में मैंने पूरी वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड कर दी थी अपने चैनल पे, और वो वीडियो पर्सनली वीडियो वाइज मेरी फेवरेट है। और एक और बात करूँ तो मेरी टेक टू इनोवेट की जो वीडियो थी वो पूरे 2 महीने लगे थे उस वीडियो को, बट वो 2020 का मेरा वन ऑफ द बेस्ट, मेरे पर्सनली उस पर व्यूज़ इतने नहीं आए, आई डोंट माइंड लेस व्यूज़, बट वो वीडियो बनाने में मेरे को पर्सनली बहुत मज़ा आया था। अदर देन दैट प्रोडक्ट्स की बात करें तो आईफोन 11 मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उसको रिव्यू करने में, और वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी, ये वन प्लस का ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बिना किसी दिक्कत के रिकमेंड कर सकते हो, ये 2000 रुपीज़ के आते हैं, ये बहुत अच्छे नेक बैंड स्टाइल ईयरफोन्स हैं, क्योंकि सिर्फ एक रीज़न के कारण, इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इनका बैटरी बैकअप अच्छा है, एक बहुत बड़ा इनका एडवांटेज ये है कि ये 10 मिनट चार्ज होके 10 आवर्स का बैटरी बैकअप देते हैं, पहला ऐसा क्लेम है वन प्लस का, जो वो क्लेम करते हैं वो एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि और ये भी नहीं है कि आपको वन प्लस का प्रोप्राइटरी 30W वॉप चार्ज या डैश चार्ज उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, कोई भी चार्जर यूज़ करो 10 मिनट्स ऑफ चार्जिंग में 10 घंटे का बैटरी बैकअप, जो बहुत इम्प्रेसिव है। एंड सेकेंड है इसका क्विक स्विच,
अगर आप एंड्रॉयड और अपने विंडोज़ पीसी में दोनों में आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप सिर्फ एक बटन के डबल क्लिक से स्विच कर सकते हो, जो इसके बाद मैं इस फीचर के बिना नहीं जी सकता। अगर ये ख़राब हो गए तो मेरे को फिर से यही लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इस फीचर का इतना यूज़ टू हो चुका हूँ। तो ये आज भी मेरी नेक में रहते हैं, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं मेरी नेक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, वर्चुअल हाई फाई। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा तैयार रहना, क्योंकि थोड़ी अनाउंसमेंट्स हैं एंड मैंने थोड़े चेंजेस करने हैं इस चैनल में। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, वर्चुअल हाई फाई।